सलमान खान की सिगरेट पर ही क्यों बवाल, क्यों बॉलीवुड पर नहीं उठते सवाल, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल। सलमान खान बिग बॉस के ओटीटी वर्जन में सिगरेट के साथ दिखे तो हंगामा खड़ा हो गया। लाइव एपिसोड में उन्हें अपशब्द बोलते भी पाया गया। हर किसी ने ये कहा कि सलमान खान क्यों सारे रूल दूसरों के लिए बनाते हैं और कैसे सिगरेट हाथ में लेकर खुलेआम ज्ञान झाड़ सकते हैं। चूंकि सलमान की इमेज जिस तरह की है उससे ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी, मगर कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो उनका बचाव कर रहे हैं। इसके बदले वो बॉलीवुड के दूसरे एक्टर के नाम गिना रहे हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसी तरह रंगे हाथों पाई गई। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा वैसे तो पॉल्यूशन पर जबरदस्त क्लास देती हैं, मगर खुद सिगरेट पीती हैं। अपने पति निक जोनस के साथ प्रियंका सिगरेट पीती पाई गई थी। बताया जाता है कि वो अक्सर सिगरेट पीती हैं और उनसे इसे लेकर सवाल किए गए तो चुप्पी साध लेती हैं। अनन्या पांडे की उम्र भले ही ज्यादा न हो, लेकिन सिगरेट फूंकने में किसी से पीछे नहीं। उनकी एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई जब अपने कजिन की शादी में ही सुट्टा मारने लगी। अनन्या की सामने आई इस इमेज पर इतना बवाल नहीं हुआ था जितनी हायतौबा सलमान खान को लेकर मची। सलमान खान के दुश्मन कहे जाने वाले रणबीर कपूर ऐसे स्टार्स हैं जिनका सिगरेट से पुराना नाता रहा है। मायरा खान के साथ उनकी सिगरेट पीने की तस्वीर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, मगर उन्हें लेकर इतने सवाल नहीं उठाए गए और न ही ट्रोल किया गया। तब रणबीर के बहाने इसे बॉलीवुड का ट्रेंड बताकर सबने मुंह बंद कर लिया था। सलमान खान की पुरानी हीरोइन और चोपड़ा खानदान की बहू रानी मुखर्जी का नाम सिगरेट पीने वालों की लिस्ट में आई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनीषा कोइराला तो ऐसी हीरोइन है जिनकी पहचान चैन स्मोकर की मानी जाती है। सुष्मिता सेन भी सिगरेट पीते हुए पकड़ी जा चुकी हैं। लंदन में सनी देओल के साथ घूमते वक्त डिंपल कपाड़िया भी सिगरेट के छल्ले उड़ाती नजर आई थीं। शाहरुख खान के बारे में कौन नहीं जानता, उन्हें भी चैन स्मोकर कहा जाता है। हालांकि मजाल है किसी ने इन्हें लेकर कमेंट किए हों। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सलमान खान को इतना ज्यादा ट्रोल करना ठीक है जिससे उन्हें डबल स्टैंडर्ड वाला कहा जाए, और क्या सलमान खान की सिगरेट छोड़ने वाली बात अब झूठी साबित हो चुकी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।